रमजान मुबारक में शादी ब्याह की तकरीबात न होने के बराबर होती हैं, जिसकी वजह से दीगर शहरों की तरह एबटाबाद के ख्वाजा सराओं को भी बेरोजगारी का सामना है। ख्वाजा सराओं का कहना है कि माली मुश्किलात की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है और अफतार और सहरी के वक्त भी फाके करना पड़ते हैं। काम सिर्फ हम मजबूरी के तहत करते हैं, हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कोई फराहमी की जाए ताकि हम भी रमजान शरीफ के महीने में घर बैठ कर रोजा रख सकें। कोई हमारा कोई कमाई का जरिया नहीं है, हम भी चाहते हैं कि हमें कोई हकूक मिले, हमारे भी कोई नौकरियाँ हों और ताकि हम भी आम शहरी की तरह बाइज्जत तरीके से रोजे रख सकें। ख्वाजा सराओं का कहना है कि वो भी रोजे रखते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि अफ्तार पर खास एहतमाम किया जाए, लेकिन माली परेशानी की वजह से ऐसा करना मुमकिन नहीं। जैसे दूसरे मुसलमान बहन भाई इफ्तारी करते हैं, इस तरह मैं अपने जितने भी दोस्त हैं इनके लिए सबके लिए इफ्तारी का सामान तैयार करती हूँ। ख्वाजा सराओं का मतालबा है कि हुकूमत रमजान मुबारक के दौरान उनके लिए खुसूसी वजीफे का ऐलान करे ताकि वो इत्मीनान से रोजे रख सकें और ईद की खुशियाँ मना सकें। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद।